दोस्तों, यूरिक एसिड का लेवल अचानक से बढ़ जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। शरीर में हाई यूरिक एसिड लेवल आपको जिंदगी भर परेशान कर सकता है। इससे आपको गठिया, शुगर, हार्ट, किडनी की बीमारियां होने का खतरा ज्यादा होता है। अगर आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यूरिक एसिड बढ़ने के कारणों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि शरीर में यूरिक एसिड किस तरह बढ़ता है। दोस्तों, हमारे शरीर में प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। यह ब्लड के सहारे किडनी तक पहुंचता है। वैसे तो यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन कभी कभी ये शरीर में ही रह जाता है और इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ऐसे में यह एसिड शरीर के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे शरीर में जाकर प्यूरिन को बनाती है, उन चीजों को खाने से यह यूरिक एसिड सामान्य से ज्यादा हो जाता है। जैसे कि मीट, मटन, प्रोटीन वाली चीजें, घी, दाल, राजमा, पनीर और चावल आदि। जिन लोगों को फैटी लीवर की समस्या है, लीवर अच्छे से काम नहीं करता है, लीवर से जुड़ी कोई भी बीमारी है, तो उनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ही जल्दी बढ़ जाती है। जिन लोगों को एसिडिटी ज्यादा रहती है, उन लोगों का भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। जो लोग खून पतला करने की दवाई खा रहे हैं या फिर रोजाना हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, तो उनका भी यूरिक एसिड थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। जो लोग रोजाना अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनके अंदर भी यूरिक एसिड सामान्य से ज्यादा होता है। जो लोग दोस्तों चीनी का सेवन, शक्कर का सेवन ज्यादा करते हैं, ज्यादा मीठी चीजों का सेवन करते हैं, तो उनका यूरिक एसिड भी सामान्य से ज्यादा होता है। इसके अलावा हमेशा खाली पेट रहना भी एक वजह हो सकता है। यूरिक एसिड की ज्यादा मात्रा से हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, किडनी स्टोन और गठिया जैसी बीमारियां हो सकती है। इसलिए यूरिक एसिड की मात्रा को कंट्रोल में रखना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग यूरिक एसिड का इलाज दवाई लेकर करते हैं, जबकि यूरिक एसिड की दवाई लेने से यूरिक एसिड का इलाज नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में गलतफहमियां होती हैं कि जो लोग पानी ज्यादा पीते हैं उन्हें यूरिक एसिड भी कभी नहीं होता, और जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें 100% यूरिक एसिड होगा, तो यह भी सरासर गलत है। इसके अलावा अगर यूरिक एसिड जवानी में हो गया तो यह बुढ़ापे तक चलेगा, ये बात भी बिल्कुल गलत है। यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बात तो साफ है दोस्तों कि अगर खान पान का ध्यान नहीं रखोगे तो यूरिक एसिड की समस्या के साथ साथ शरीर में और भी कई समस्याएं पैदा होंगी। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि यूरिक एसिड हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो ये भी गलत है। हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल कितना नुकसानदायक और कितना फायदेमंद है, आइए देखते हैं। दोस्तों, जरूरत के अनुसार यूरिक एसिड हमें कैंसर से बचा के रखता है। ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, हमें छोटी मोटी बीमारियों से बचा कर रखता है। अगर यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल है तो हमारे लिए फायदेमंद है, अगर इसका लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए इसका इलाज करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे कि हमें यूरिक एसिड को शरीर से पूरी तरह से खत्म नहीं करना है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण के बारे में क्या सिम्टम्स होते हैं। शरीर में यूरिक एसिड लेवल का बढ़ना आप पहले से इस प्रकार पता लगा सकते हैं। इसके कई प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे आपके जोड़ों में सूजन आना और आपके पैरों के अंगूठे में भी सूजन आने लगती है। शरीर के जोड़ों में गांठ पड़ जाती है, उन जोड़ों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। सीढ़ियां चढ़ने या फिर उठने बैठने पर जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। यदि आप किसी एक जगह पर ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो भी आपको बहुत तेज दर्द होता है। सुबह उठते ही एड़ियों को जब जमीन पर रखते हैं, पैरों को जमीन पर रखते हैं, तो चुभन फील होती है, ऐठन महसूस होती है। अगर हम यूरिक एसिड का इलाज सही समय पर नहीं करते हैं तो आगे चलकर गठिया की समस्या का रूप ले लेती है, तो जो बहुत ही दर्दनाक होती है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स शरीर में दिखते हैं तो आप सबसे पहले अपना यूरिक एसिड चेक करवाइए, CRP चेक करवाइए, एलर्जी चेक करवाइए, ताकि पता लग सके कि समस्या किस चीज में है। चलिए, बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है देखते हैं। ज्यादा पानी पीने से शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड की मात्रा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, और जितना ज्यादा हो सके उतना फाइबर वाले फूड्स का सेवन करें। जैसे दलिया, पालक, ब्रोकली आदि को खाने से आप शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं, और जहां तक हो सके ऑयली फूड ना लें। माना कि ऑयली फूड स्वाद में बहुत ही लाजवाब होते हैं, लेकिन इसके सेवन से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, इसलिए डीप फ्राई चीजें अवॉइड करें, ज्यादा ऑयली फूड का सेवन ना करें। यदि आप यूरिक एसिड को कम करना चाहते हैं तो पेस्ट्री, केक,
कुकीज आदि को खाना बंद कर दें। और यदि आप खाना जैतून के तेल में यानी कि ऑलिव ऑयल में पकाते हैं तो आप यूरिक एसिड को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है जो खाने को पोषक तत्वों से भरपूर बनाती है। सेब का सिरका आप ले सकते हैं। सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर आप ले सकते हैं। एप्पल विनेगर आपके शरीर से यूरिक एसिड को कम करने में काफी फायदेमंद साबित होता है। इसमें काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट तत्व और एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं। नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने से आपके शरीर में यूरिक एसिड नियंत्रित रह सकता है। सेब का सिरका आपके खून में पीएच के स्तर को बढ़ा देता है जो यूरिक एसिड को कम करता है। तो आप सुबह खाली पेट सेब के सिरके का सेवन कीजिए। लगभग 10 ml सेब के सिरके को एक गिलास गुनगुने पानी के साथ लीजिए और रोजाना ऐसा लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। लहसुन की 2 कच्ची कलियां लें और सुबह नाश्ते के आधे घंटे पहले इसे एक गिलास गुनगुने पानी के साथ खा लें। अगर चबा चबा कर ना खाते जमता हो तो लहसुन की कलियों को छोटी छोटी टुकड़ों में काट लें और पानी के साथ इसे निगल लें। आप ऐसा रोज करेंगे तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इससे शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा भी कम हो जाती है और ये आपके शरीर को डिटॉक्स करती है। दोस्तों, इसे दवाई समझकर रोजाना सुबह 2 कली जरूर खाएं। हरी प्याज का सेवन कीजिए क्योंकि आपके शरीर में प्रोटीन को बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। इसे लगातार लेने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा कम होने लगती है। गाजर का जूस पी सकते हैं। गाजर और चुकंदर का जूस अपने डाइट में शामिल कीजिए, इससे यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हैं। गाजर और चुकंदर दोनों ही फाइबर से भरपूर होते हैं जो बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। दिन भर में 2-3 गिलास नींबू पानी पीजिए। यूरिक एसिड बढ़ने पर आप बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे कम करने के लिए आप अपने पानी के इंटेक पर ध्यान दें। खूब पानी पिए, हो सके तो 2-3 गिलास नींबू पानी पूरे दिन में पी लें। इसे यूरिक एसिड का स्तर कंट्रोल होने में मदद मिल सकती है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो यूरिक एसिड के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करता है। खीरे का जूस पीजिए या फिर सलाद में खीरे का सेवन कीजिए। खीरे में पोटेशियम और फास्फोरस होता है। ये दोनों ही किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। इतना ही नहीं, यह यूरिक एसिड के लक्षणों को भी कम करता है, जैसे सूजन और यूरिक एसिड के दर्द को कम करता है। इसके अलावा भी गर्मी का मौसम है तो छाछ पीजिए। आपको एक गिलास छाछ रोजाना लेना है। इसमें 1/4 चम्मच जीरा पाउडर मिलाना है। पुदीने की कुछ पत्तियां क्रश करके डालनी है। धनिया की कुछ पत्तियां डालनी है या फिर पुदीने और धनिया का पेस्ट बनाकर आधा आधा चम्मच डाल दीजिए और दिन में इसका 1 या 2 गिलास जरूर पीजिए। इससे क्या होगा कि जिनके खून में यूरिक एसिड ज्यादा मिक्स हो रहा है वह समस्या भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा चाय कॉफी अगर आप ज्यादा पीते हैं तो उसे कम कर दीजिए और हो सके तो छोड़ दीजिए। दूध वाली चाय तो पीनी नहीं चाहिए। चाय पीना है तो आप 1-2 कप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप लेमन टी पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं। दूध वाली चाय पीने से एसिडिटी बढ़ती है और एसिडिटी की वजह से बहुत सारी समस्या पैदा होने लगती है। आप अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आप इसका सेवन बंद कर दें, नहीं तो आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसलिए आप शराब का सेवन ना करें और हो सके तो डिब्बा बंद खाने का सेवन ना करें, क्योंकि डिब्बा बंद खाने में पौष्टिक तत्व कम हो जाते हैं, ये यूरिक एसिड की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाते। शराब का सेवन इसलिए नहीं करना दोस्तों कि ये शराब पीने से हमारी बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, जिससे यूरिक एसिड में प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना यूरिक एसिड का इलाज, यूरिक एसिड के लक्षण और यूरिक एसिड कम करने के आयुर्वेदिक उपाय। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना।